जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय रेलवे जो 2024-25 का जो बजट पेश की है, कौन कौन सी परियोजनाओं को पैसा मिला है, किन किन राज्यों में कौन कौन से काम होने वाले हैं, कहां कहां पे इस बजट का फायदा होने वाला है, कौन कौन से काम भारतीय रेलवे कहाँ कहाँ पे करने वाली है, कौन कौन सी सुविधाएं रेलवे स्टेशन पर बढ़ने वाली है, कितनी ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना की जाएगी, ये सारी जानकारी मैं आपको मैं आज के इस वीडियो में 2024 और 25 का जो बजट पेश हुआ है उसको फुल एक्सप्लोर करने वाला हूँ कि किन किन राज्यों में भारतीय रेलवे कौन कौन सी काम करने वाली है और कितने पैसे आवंटित किए गए हैं उस राज्य के लिए। और बजट के साथ साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्लीपर वंदे भारत के लिए एक नया रूट निकल कर सामने आया है, जो कि बरेली और मुंबई के बीच भारतीय रेलवे स्लीपर वंदे भारत को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। तो ये भारतीय रेलवे का एक नया प्लान देखने को मिला है, जो कि बरेली और मुंबई के बीच स्लीपर वंदे भारत, पहली स्लीपर वंदे भारत को भारतीय रेलवे लॉन्च करने जा रही है। तो इसके विषय में भी मैं आपको बताऊंगा कि कब तक इसकी लॉन्चिंग आपको देखने को मिलने वाली है और किस रूट से होकर ये स्लीपर वंदे भारत को भारतीय रेलवे चलाने वाली है। तो ये दोनों टॉपिक पर हम बात करेंगे और फुल डिटेल जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 2024 और 25 में जो जारी हुआ है बजट, किन राज्यों को कितने पैसे और कौन कौन से काम भारतीय रेलवे को उस राज्य में करनी। दोस्तों, मोदी सरकार 3.0 के पहले आम बजट में रेलवे पर खास फोकस दिया गया है। रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को रेलवे द्वारा बजट में किए गए प्रावधानों की प्रमुख बातें साझा की। रेल मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण राज्य है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे के विकास के लिए 19,848 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। राज्य में पिछले साल 10 सालों में जिस तेजी से रेलवे का काम हुआ है वह पैमाने पर एक नया रिकॉर्ड। अब मैं आपको बता देता हूँ कि किस राज्य में कितने रेल बजट आवंटित किए गए। तो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 19,848 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में चालू परियोजना नए ट्रैक 68 परियोजना 5,874 किलोमीटर 92,100 करोड़ रुपए 157 स्टेशनों को अमृत स्टेशन के रूप में विकसित किए जाएंगे। इन स्टेशनों की अगर हम नाम बताएं तो अछनेरा, आगरा कैंट, आगरा किला, ऐशबाग जंक्शन, आगरा अकबरपुर जंक्शन, अलीगढ़, अमेठी, अमरोहा, आनंद नगर जंक्शन, आंवला, अयोध्या धाम, बछराहवा, बदायूं, बादशाह नगर, बादशाहपुर, बहेड़ी, बहराइच, बलामू जंक्शन, बलिया, बलरामपुर, बनारस, बाराबंकी जंक्शन, बरेली, बढ़नी, बस्ती, बेलथरा रोड, भदोही, भरतकुंड, भटनी, भूतेश्वर, बिजनौर, बुलंदशहर, चंदौली, मझुआर जंक्शन, डालीगंज, दर्शन नगर, देवरिया सदर, धामपुर, दिलदार नगर, इटावा जंक्शन, फरुखाबाद, फिरोजाबाद, फतेहपुर सिकरी, गजरौल, गौरीगंज, घाटपुरा, गाजियाबाद, गाजीपुर शहर, कोणार्क नाथ, गोमती नगर, गोंडा, गोरखपुर, गोवर्धन, गोविंदपुरी, हैदरगढ़, हापुड़, हरदोई, हाथरस सिटी, ईदगाह, आगरा जंक्शन, इज्जत नगर, जंघई जंक्शन, जौनपुर सिटी, जौनपुर जंक्शन, कन्नौर, कानपुर, अनवरगंज सेंट्रल, कप्तानगंज जंक्शन, कासगंज जंक्शन, काशी, खलीलाबाद, होरारसन रोड, खुर्जा जंक्शन, कुशी कला, मानक नगर, मानिकपुर जंक्शन, ऐसे इसमें 157 स्टेशनों के नाम भारतीय रेलवे ने दी है, जिसको अमृत भारत स्टेशन के रूप में आगे चलकर भारतीय रेलवे इस पर काम करने वाली है, जिसके लिए फंड भी आवंटित कर दिए गए हैं। मैंने पूरा नाम इस जो स्टेशन का नाम दिया गया है वो 157 स्टेशनों का नाम दिया गया है, बता भी दिया है कि किन किन स्टेशनों के नाम इसमें है, बाकी मैं वीडियो के स्क्रीन पर लगा दूंगा, आप उसे पढ़ भी सकते। 1490 रेल फ्लाईओवर और अंडर ब्रिज का भी निर्माण किया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं पंजाब। पंजाब में 5,147 करोड़ रुपये पंजाब में चालू परियोजनाएँ नए ट्रैक 12 परियोजनाएँ 1,158 किलोमीटर और 19,843 करोड़ रुपए की धनराशि पंजाब को मिली है, जिसमें 30 स्टेशनों को अमृत स्टेशनों के रूप में विकसित किया जाएगा। अबोहर, अमृतसर, आनंदपुर साहिब, ब्यास, भटिंडा जंक्शन, ढरारी, काला धूरी, फजिका, फिरोजपुर कैंट, गुरदासपुर, होशियारपुर, जलंधर कैंट, जलंधर सिटी, कपूरथला, कपूरा जंक्शन, लुधियाना जंक्शन,
फगवाड़ा जंक्शन, पिलौर जंक्शन के रूप में इसमें और भी नाम दिए गए हैं जो कि मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा, आप उसे पढ़ भी सकते हैं कि किन किन स्टेशनों को भारतीय रेलवे अमृत भारत स्टेशन के रूप में आगे चलने वाली है, जिसमें 2014 से अभी तक 366 रेल फ्लाईओवर और अंडर ब्रिज का निर्माण किया गया। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो 5131 करोड़ रुपए उत्तराखंड के लिए चालू परियोजना नए ट्रैक 3 परियोजना 266 पैसे की अगर हम बात करें तो 25941 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किए गए हैं उत्तराखंड के लिए, जिसमें आपको 59 किलोमीटर नए ट्रैक का काम करना है। 2009-2014 के दौरान 0 किलोमीटर के मुकाबले 303 किलोमीटर विद्युतीकरण, उत्तराखंड में 100% विद्युतीकरण है। 70 रेल फ्लाईओवर और अंडर ब्रिज, 11 स्टेशनों को अमृत स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। देहरादून हरिद्वार जंक्शन, अरावला काशीपुर काठगोदाम किछुआ कोटद्वार लालकुआ जंक्शन रामनगर रुड़की टनकपुर, इन स्टेशनों को भारतीय रेलवे अमृत भारत स्टेशन के रूप में बनाएगी। जम्मू और कश्मीर की अगर हम बात करें तो 3694 करोड़ रुपए के आवंटन हुए हैं जम्मू और कश्मीर के लिए, जिसमें आपको 87 किलोमीटर नए ट्रैक का काम करना है। साथ में 2009-14 के दौरान 0 किलोमीटर के मुकाबले 344 किलोमीटर विद्युतीकरण, जम्मू कश्मीर में 100% विद्युतीकरण है। रेल फ्लाईओवर और अंडर ब्रिज का काम करने हैं जम्मू और कश्मीर में। चालू परियोजना है नए ट्रैक 1 परियोजना और 272 किलोमीटर 41159 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसमें 4 स्टेशनों को अमृत स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें बड़गाम जम्मू तवी श्री माता वैष्णो देवी कटरा और उधमपुर। उसी तरह हरियाणा को 3383 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। हरियाणा में चालू परियोजना नए ट्रैक 14 परियोजना के लिए 1195 किलोमीटर और 15875 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 14 स्टेशनों को अमृत स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। अंबाला कैंट, अंबाला सिटी, बहादुरगढ़, बल्लभगढ़, 34 स्टेशन इसमें दिए गए हैं जिसको अमृत भारत स्टेशन भारतीय रेलवे बनाने वाली है। और 2014 से अब तक 508 रेलवे फ्लाईओवर और अंडर ब्रिज का निर्माण किया गया है। उसी तरह हिमाचल प्रदेश को 2698 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसमें चालू परियोजना नए ट्रैक 4 परियोजनाएं 255 किलोमीटर की अगर हम बात करें तो 13168 करोड़ रुपए इसमें आवंटित किए गए हैं। 4 स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। अम्बंदौर, बैजनाथ, पपलोरा, पालमपुर, हिमाचल, शिमला, इन 4 स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन भारतीय रेलवे बनाएगी, जिसमें आपको 2014 से अभी तक 24 रेल फ्लाईओवर और अंडर ब्रिज का निर्माण किया गया है। दिल्ली के लिए भारतीय रेलवे ने 2582 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जिसमें 40 परियोजना नए ट्रैक 4 परियोजनाएं और 302 किलोमीटर, इसमें 4768 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसमें 13 स्टेशनों को अमृत स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। आदर्श नगर दिल्ली, आनंद विहार, विजयवासन दिल्ली, दिल्ली कैंट, दिल्ली सराय रोहिला, दिल्ली सहादरा, हजरत निजामुद्दीन, नरेला, नई दिल्ली, सब्जी मंडी, सफदरगंज, तिलक ब्रिज, 2014 से अभी तक 13 नई फ्लाईओवर और अंडर ब्रिज का निर्माण किया गया है। तो दोस्तों, भारतीय रेलवे ने इस साल सबसे ज्यादा फोकस स्टेशनों पर दी है, जिसके लिए अमृत भारत स्टेशन बनाने के लिए सबसे ज्यादा फंड आवंटित किए गए हैं भारतीय रेलवे द्वारा। और जो नाम मैंने बताए हैं उन सभी स्टेशनों को भारतीय रेलवे धीरे धीरे अमृत भारत स्टेशन में तब्दील करने वाली है, होना चालू हो जाएगा, और जहाँ पे काम हो रहा है वो काम और भी तेजी से होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ऐसा आवंटित हो चुका है। तो बाकी कुछ नाम मैंने आपको बता दिए हैं, बाकी मैं वीडियो के स्क्रीन में लगा दूंगा, अगर आपका स्टेशन है तो आप उसे वीडियो में देख भी सकते हैं। फिलहाल नहीं तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसीलिए मैंने पूरे स्टेशन का नाम नहीं पढ़े हैं। और साथ में नए ट्रैक बिछाने का भी काम भारतीय रेलवे इस साल जोरों शोरों से करने वाली है, और साथ में आपको नए नए देखने को मिलेंगे, जिसके लिए भारतीय रेलवे ने बहुत सारे फंड आवंटित किए हैं, जो कि आपको
कई जगहों पर नए नए फ्लाई ओवर का भी निर्माण किया जाएगा और नए लाइन बिछाने का भी काम भारतीय रेलवे करने वाली है। तो इस रेल बजट में सबसे ज्यादा फोकस भारतीय रेलवे ने अमृत भारत स्टेशन के रूप में दिया है, जो कि आपको जो स्टेशन को भारतीय रेलवे संवारने वाली है उसमें आप देख सकते हैं, जिसमें अमृत भारत स्टेशन के रूप में बहुत सारे स्टेशन बनकर उभरने वाले। तो दोस्तों, जो ये बजट पेश हुआ है इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, हम चलिए बात कर लेते हैं, जो भारतीय रेलवे ने बरेली और मुंबई के बीच स्लीपर वंदे भारत को लॉन्च करने जा रही है, तो ये भारतीय रेलवे का कौन सा नया प्लान है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, रेल मंडल में पहली बार स्लीपर वंदे भारत ट्रेन बरेली से मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल तक चलेगी। रेलवे इसका रूट तैयार कर लिया है। नई समय सारणी में इसकी घोषणा हो सकती है। देश भर में अभी सिर्फ चेयर कार वंदे भारत ट्रेनों का संचालन हो रहा है। बर्थ वाली वंदे भारत ट्रेन के कोच फैक्ट्री में तैयार हो रहा है। बुधवार को रेल मंत्री ने प्रेस वार्ता के दौरान स्लीपर वंदे भारत चलाने पर बात दोहराई। सीनियर डीसीएम आदित्य गुप्ता ने स्पष्ट किया कि मंडल में बरेली से स्लीपर वंदे भारत चलाने का प्लान है। इसका प्रस्तावित रूट बरेली चंदौसी अलीगढ़ आगरा ग्वालियर झांसी बीना भोपाल इटरासी खंडवा जलगांव मानमंद मुंबई तक जाएगा। इस रूट पर फिलहाल एक एक्सप्रेस ट्रेन चलती है। अन्य ट्रेनों का समय प्रभावित किए बिना वंदे भारत चलाने की योजना है। समय और अन्य कारणों को देखते हुए कुछ रूट बदला भी जा सकता है। बरेली से मुंबई की यह दूरी लगभग 1600 किलोमीटर है। इतनी दूरी में चलने वाली यह देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन होगी। हालांकि कुछ अन्य मंडल भी अपने यहां से लंबी दूरी की स्लीपर वंदे भारत ट्रेन संचालन की योजना तैयार कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि स्लीपर वंदे भारत को भारतीय रेलवे किस रूट पर लेकर आ रही है, ये अभी भारतीय रेलवे ने स्पष्ट रूप से जाहिर नहीं किया है कि किस रूट पर स्लीपर वंदे भारत कन्फर्म रूट पर आने वाली है। लेकिन हर रूट से, हर मंडल से इसका प्रस्ताव भेजा जाता है और भारतीय रेलवे डिसाइड करती है कि इस रूट पर स्लीपर वंदे भारत को चलाया जाएगा। फिलहाल हर मंडल से इसके लिए प्रस्ताव भेजा जा रहा है, लेकिन इस पर भारतीय रेलवे द्वारा रिपोर्ट निकल कर आना अभी बाकी है। इसीलिए कन्फर्म नहीं कह सकते हैं कि स्लीपर वंदे भारत को भारतीय रेलवे इस रूट पर लेकर आ रही है। फिलहाल इसके निर्माण कार्य में बहुत ही तेजी से BML में काम चल रहा है, जो कि आपको बहुत जल्द स्लीपर वंदे भारत कोच फैक्ट्री से बाहर निकलने वाली है। लेकिन अभी जो रूट है, कई रूट हैं, लेकिन अभी कन्फर्म रूट भारतीय रेलवे द्वारा निकल कर सामने नहीं आई है कि स्लीपर वंदे भारत को इसी रूट पर लाया जाए। फिलहाल इस पर सस्पेंस बना हुआ है और आने वाले दिनों में भारतीय रेलवे की नोटिफिकेशन की इंतजार करेंगे कि भारतीय रेलवे द्वारा स्लीपर वंदे भारत के लिए कौन सा रूट निकल कर सामने आ रहा है। तो जो रिपोर्ट निकल कर भारतीय रेलवे द्वारा आएगा उसी को कन्फर्म माना जाएगा। अभी ये प्रस्तावित रूट माना जाता है। तो फिलहाल कई रूट इस पर शामिल हो रहे हैं, कई रूट निकल कर स्लीपर वंदे भारत के लिए आ रहे हैं, लेकिन भारतीय रेलवे द्वारा अभी हमें इंतजार करना होगा कि भारतीय रेलवे द्वारा इस पर कन्फर्म रिपोर्ट कब निकल कर सामने आता है। फिलहाल जो रिपोर्ट निकल कर सामने आया था बरेली और मुंबई के बीच में स्लीपर वंदे भारत चलाने की, उसी के विषय में मैंने आपको जानकारी दी है। फिलहाल इस पर कोई भारतीय रेलवे द्वारा जानकारी निकल कर सामने आता है तो मैं आपको जरूर दूं। तो जो बजट 2024 और 25 आया हुआ है इस पर आपकी क्या राय है, ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बरेली और मुंबई के बीच जो स्लीपर वंदे भारत को भारतीय रेलवे लॉन्च करने जा रही है, इस रूट के बारे में आपकी क्या राय है, ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ। तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।